सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हाउ टू फाइंड nth डेरिवेटिव फॉर y इक्वल्स टू k रेज टू x इनटू cos ऑफ bx प्लस c। सो अगर उस cos को मैं चेंज कर दूं साइन में, तो जो अप्रोच हमने फॉलो किया था प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे भी सेम अप्रोच रहेगा। यानी मैं लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, दैट इज बाय कंसिडरिंग a इक्वल्स टू e रेज टू लॉग a टू द बेस e। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि e रेज टू लॉग ऑफ a बेस e a के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं एक और यहाँ पे k रेस टू एक्स पुट करूँ, तो k रेस टू एक्स किसके बराबर होगा, e रेस टू लॉग ऑफ k रेस टू एक्स। और x को मैं यहाँ पे log k के साथ x को मैं आगे ला सकता हूँ log k के, तो ये हो जाएगा e रेस टू एक्स log k, ठीक है। दिस इज बाय द प्रॉपर्टी log ऑफ a रेस टू b इक्वल टू b log a। यहाँ पे मैं अज्यूम करूँ आपको log की बेसिक प्रॉपर्टी सब पता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करूँ के रेस टू एक्स की जगह यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा ई रेस टू एक्स लॉग के इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। सो अगर अब इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर करूँ विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एंथ डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ ए का वैल्यू चेंज हुआ है जो है लॉग के है, और पूरी की पूरी फॉर्मेट जो आंसर उस क्वेश्चन में आया था यहाँ पे भी वो सेम टू सेम है। इसके आंसर के लिए आप कैसे, आप आगे अगर सपोज एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है, तो आप आगे कैसे फॉलो करेंगे। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 या 9 था वो, जहाँ पे हमने वाई इक्वल टू रेज टू एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी को सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए जहाँ पे हमने इसके एंथ रियलिटी को निकाला था। तो इसके बाद का स्टेप सिमिलर वही, सेम टू सेम वही होगा। ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड को आपको क्या लेना पड़ेगा लॉग के, और अपोजिट साइड को क्या लेना पड़ेगा बी। ओके, देन आपको ये सारा डेरिवेशन आसानी से आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को देखिए।